विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन? ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, बी डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, सी फोकल लेंथ एंड हाइट, एंड डी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। हेलो डियर्स, क्वेश्चन है ये आज का और ये एनडीए 2010 है, एनडीए 2010 का है, फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें क्या पूछ रहा है कि फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव अ सेम डायमेंशन, यानी कि इनमें से किसके पास जो है डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी में किस ऑप्शंस के पास जो ये क्वांटिटीज हैं उसमें से किस क्वांटिटीज के पास डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। एक ऑप्शन में दो क्वांटिटी दी है, दो फिजिकल क्वांटिटी, सो इनमें से डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। आइए चेक करते हैं इसको। फर्स्ट वन है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एमजीएच। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एमजीएच, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमजीएच यानी कि एमजीएच, एम क्या है? मास है, तो मास के लिए केजी, पहले इसका यूनिट निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। जी के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट के लिए मीटर। ठीक है, तो यहाँ जी के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट के लिए इनटू में मीटर, सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगर इसका, और इसी को कहा जाता है जूल, इसी को कहा जाता है जूल। ठीक है, अब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डायमेंशन के लिए 7 फंडामेंटल डायमेंशन होते हैं, ठीक है, जो हम बता चुके हैं, ऐसे यहां भी एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो यहां पे जो डायमेंशन होता है मास के लिए होता है एम। ठीक है, हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, ठीक है, टाइम के लिए टी, फिर और क्या रह गया? 7 होते हैं फंडामेंटल। नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए के, करंट, करंट के लिए ए, ठीक है, फिर एक क्या रह गया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसके लिए होता है सी डी, और एक है अमाउंट ऑफ मटेरियल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी बोले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, तो इसके लिए होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है मोल। तो ये जनरली जो तीन टर्म है, मास, मास लेंथ और टाइम, ठीक है, इसका यूनिट में ज्यादा यूज होता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास के लिए केजी के लिए एम, एल पावर टू, टी पावर माइनस टू, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाले तो इसके साथ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के साथ है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकाले हैं तो के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि मास के लिए केजी और मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है ना, तो इसका भी डायमेंशन क्या है? सेम ही होगा, यही है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें भी यही आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पे है तो इसका यूनिट जूल ही है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन भी सेम ही होगा। नेक्स्ट वन, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, तो ऑप्शन वन तो समझ गए कि ऑप्शन वन नहीं होगा, इसका डायमेंशन क्या है? सेम है। यहां पे पूछा कि किसका सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब, तो इसका अगर डायमेंशन देखें तो एम एल पावर माइनस थ्री, एम एल पावर माइनस थ्री। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी
स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या फिर कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड मीन्स वाटर, ठीक है, एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पे दोनों में डेंसिटी का जिक्र हो रहा है, ठीक है, दोनों में डेंसिटी की बात की जा रही है, यानी कि जो इसका रेशियो है वो डेंसिटी का रेशियो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट लेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन डेंसिटी के लिए है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल पावर माइनस थ्री, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो इसके साथ, तो इसका यूनिट लेस है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, ना ही इसका यूनिट है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सही होगा। अब ऑप्शन सी है फोकल लेंथ एंड हाइट, लेंथ यानी कि मीटर, फोकल लेंथ एंड हाइट, देखें तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ यानी कि मीटर, इसका यूनिट मीटर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल, ठीक है, और हाइट का भी मीटर, हाइट का भी मीटर, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, दोनों का सेम। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स यानी कि इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू होता है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, जहां पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जिसका वैल्यू होता है g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन, न्यूटन पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है पर केजी स्क्वायर, ये होता है। तो ये जी का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका यूनिट है जी का, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स इसका पूरा यूनिट निकालना है, ठीक है, तो इसका पूरा यूनिट निकालेंगे तो इसके लिए हम पुट करेंगे जी के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया। एम वन एम टू क्या है, मास यानी कि इंटू केजी का स्क्वायर, और आर क्या है, आर है लेंथ, एक तरह से रेडियस है ना, सो ये लेंथ हो गया, तो लेंथ के लिए मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल, केजी स्क्वायर भी कट गया, तो यहाँ क्या बचा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए, यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो एम एल टी पावर माइनस टू, ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स का भी यूनिट न्यूटन है तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि फोर्स है तो इसका भी यूनिट न्यूटन होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल्स टू होता है म्यू एन, जहां पे म्यू है कांस्टेंट, ठीक है, और एन है नॉर्मल रिएक्शन, एन इक्वल्स टू एम जी का टर्म होता है, ठीक है, तो एम जी यानी कि न्यूटन, एम जी के जी, एम का क्या हो गया मास यानी कि के जी, और जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट यही होगा तब सेम, यानी कि इन दोनों का भी यूनिट सेम है, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है,
ठीक है। बाकी जो है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम है, फोकल लेंथ एंड हाइट भी सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या डिफरेंट है। तो ये था आज का क्वेश्चन, थैंक्स।